जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस ये है कि एसी थ्रू आरएफ सीरीज सर्किट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किया था, उसी काम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके साथ हम लोगों ने वायर कनेक्ट कर दी, एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, और इस सर्किट के अंदर हमारे पास दो अप्लाइसेस लगे हुए हैं। एक तो हमारी रेजिस्टेंस आर लगी हुई है, और दूसरी चीज़ जो लगी है वो हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, और इंडक्टर के साथ वायर लगा के हम लोगों ने एसी सोर्स से कनेक्ट करके सर्किट को कम्प्लीट कर दिया है। तो अब इस सर्किट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक एसी सोर्स है, दूसरी चीज़ हमारे पास रेजिस्टेंस है, और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास इंडक्टर है। अब हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस की वजह से जब भी एसी सोर्स के साथ रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी जाती है, तो रेजिस्टेंस अप्लाई करने से वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ रहते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट इन फेज़ रहते हैं, इनमें कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो ही आप इंडक्टर इस सर्किट के अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि जो इंडक्टर है उसमें आपका करंट जो है वो लैग करता है, और आपका जो वोल्टेज है वो लीड कर जाता है। वोल्टेज कितना लीड करता है, वो पाई बाय टू के डिफरेंस पे जो है लीड कर जाता है। अब इसी दोनों के, यानी कि इंडक्टर और जो रेजिस्टेंस है, इन्हीं के इफेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस सर्किट के लिए भी इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हम लोगों ने केस नंबर वन में की। आप सबसे पहले इसकी भी वेक्टर डायग्राम बनानी पड़ेगी। वेक्टर डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले रेजिस्टेंस को कंसिडर करें। रेजिस्टेंस के अंदर हमें पता है कि इसका करंट और इसका वोल्टेज जो है वो इन फेज रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इंडक्टर की बात करती हूँ, तो इसे थोड़ा सा सही करके बनाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो करंट है वो इस तरीके से आएगा, करंट यहाँ पर रहेगा, और जो वोल्टेज है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो करंट और वोल्टेज है वो तो इन फेज ही है, वो आपस में बराबर ही होते हैं, मतलब कि इन फेज है, पैरेलल होते हैं वोल्टेज और जो करंट है वो आपस में रेजिस्टेंस के केस के अंदर। लेकिन जैसे ही इंडक्टर के वोल्टेज की बात की जाती है, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज VL है वो इस I के लिहाज से पाई बाई टू के डिफरेंस पे लीड कर जाता है। तो ये हमारे पास जो है पाई बाई टू का डिफरेंस आ गया, जिससे लीड कर गया। अब हमें जो इस सर्किट का कंबाइंड वोल्टेज है, कंबाइंड वोल्टेज के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में बात की थी कि कंबाइंड वोल्टेज जो है वो यहीं कहीं लाइक करता है, तो अगर ये कंबाइंड वोल्टेज V है, तो जाहिर सी बात है, अगर फर्ज कर लीजिए कि अगर ये एक वेक्टर V है, इसको मैंने इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो जिसका Y कंपोनेंट होगा वो Y कंपोनेंट भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, जो कि VL है। सिमिलरली जिसका X कंपोनेंट है वो यहाँ पर ही होगा, जो कि I है, जो कि नीचे की डायरेक्शन में है, तो I नीचे है, I ही ऊपर रहेगा। और X एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसका इस साइड पर VL है, तो राइट साइड पर भी VL ही आएगा, और दरमियान में जो है ये कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा V, जिसे लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था कि I इंटू जेड के इक्वल होता है। यानी कि इस सर्किट की अगर मैं इम्पीडेंस के बारे में बात करूँ, तो इस सर्किट की जो इम्पीडेंस आएगी वो R के स्केयर प्लस XL के स्केयर के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर XC की जगह अब हम लोगों ने इंडक्टर यूज़ किया है, तो सारा का सारा काम अकॉर्डिंग टू इंडक्टर के लिहाज से होगा कि इंडक्टर किस तरीके से किसी सर्किट के अंदर लगाया जाए तो काम करता है। अब ये वाली वेक्टर डायग्राम काफ़ी हद तक समझना आसान है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, जो हमारे पास आरसी था उसमें वोल्टेज हमारा लैग करता था, जिसकी वजह से हमें समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि इसे किस तरीके से समझा जा सके। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मालूम है कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है उसका स्केयर, यानी कि वी कंबाइन का स्केयर जो है मेरे जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर के स्केयर प्लस बेस के स्केयर। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आई इन टू आर इज इक्वल्स टू वी आर, यानी कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, जिसे मैं वी आर के स्केयर के इक्वल लिख सकती हूँ। अब V का स्केयर, जिसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कंबाइंड वोल्टेज होता है ये हमेशा I इंटू जेड है, लेकिन अगर मुझे इसके लिए भी प्रूफ करना पड़े तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो कंबाइंड वोल्टेज है, अगर वो मालूम करना हो तो वो VR के स्केयर प्लस VL के स्केयर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि VL इसलिए लगाया कि अब हम लोगों ने इंडक्टर यूज़ कर लिया है। VR की बात की जाएगी तो I स्केयर इंटू आर स्केयर आ जाएगा।
सिमिलरली वी एल की बात की जाएगी तो आई स्केयर इंटू एक्स एल का स्केयर आ जाएगा, जो कि इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसे इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे वी स्केयर एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसे मैं आपको फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ कि अगर इंडक्टर लग जाए तो किस तरीके से कंबाइंड वोल्टेज इस सर्किट के लिए निकाला जाएगा। अब आई स्केयर जो है, अगर इसे मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर आ जाएगा, तो क्यों ना यहाँ पर मैं v का स्केयर जो है अंडर रूट ले लूँ, पूरी इस चीज़ का स्केयर रूट ले लूँ। तो स्केयर रूट लेने से क्या होगा कि मेरे पास i का स्केयर इसके साथ अलहदा से ख़त्म हो जाएगा, r बाहर आ i जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर मेरे पास r स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर रह जाएगा और यहाँ पर v रह जाएगा। तो मैं v इज इक्वल्स टू r इंटू z कह सकती हूँ। ये जो z है जिसे मैं इम्पिडेंस कहती हूँ, यहाँ पर ये इम्पिडेंस जो है बिकम्स इक्वल आ जाएगी किसके, आर स्केयर प्लस एक्स एल के स्केयर के इक्वल आ जाएगी, यानी कि इन दोनों के एडिशन के, इनके स्केयर के एडिशन के इक्वल आ जाएगी। और इसका स्केयर रूट ले लेते तो यहाँ पर मेरे पास इम्पिडेंस का रिलेशनशिप बन जाता है। यानी कि अब मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक सर्किट है जिसमें ये वी इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड है और यहाँ पर मेरे पास वी एल है और ये जो चीज़ है मेरे पास, बल्कि इसे तो थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा करके बना रहे हैं अभी, चूँकि इंडक्टर का केस है तो इंडक्टर के केस में वी एल जो है अपवर्ड जा रहा है, ये हमारे पास वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड आ जाएगा और ये चीज़ हमारे पास जो है वी एल और ये हमारे पास आई है, यानी कि वी आर है जो कि आई इंटू आर वी के इक्वल आ जाती है, आई इंटू आर के इक्वल आ जाएगी, सॉरी आई इंटू आर। और सिमिलरली ये वी आर यहाँ पर भी है जो आई इंटू आर के इक्वल है। अब ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास कोई ना कोई एंगल थीटा है और इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है इस करंट I का इस वोल्टेज के साथ इंडक्टर के केस में वो पाई बाय टू है। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी मुझे एंगल निकालना पड़े ये वाला एंगल, तो लास्ट वीडियो की तरह, लास्ट केस की तरह मैं पाई बाय टू माइनस थीटा कर सकती हूँ, यानी कि इस टोटल एंगल में से अगर ये वाली चीज़ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास बाकी एंगल पाई बाय टू माइनस थीटा निकल आएगा, जो कि कम्बाइंड वोल्टेज के लिए हमारे पास कोई एंगल निकल आएगा। अगर मुझे कम्बाइंड वोल्टेज के लिए कोई एंगल चाहिए तो मुझे टेन थीटा लगाना पड़ेगा, टेन थीटा में आपको मालूम है कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाती है। अब इस सिचुएशन में मेरे पास परपेंडिकुलर जो है वो वी एल है और जो बेस है वो वी आर है और इनकी वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पर आई इंटू आर आई इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाई आई इंटू आर आ जाएगा, तो आई आई से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एल डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। और अगर मुझे सिंपली थीटा मालूम करना हो तो यहाँ पर टेन इनवर्स आ जाएगा, जो कि इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर इसे मज़ीद देखें तो आपके पास टेन इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा। एक्स एल के बारे में आपको पता है कि ये ओमेगा इंटू एल के इक्वल होता है और आर डिवाइड हो रहा है नीचे, जो ओमेगा इंटू एल है इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये टू पाई एफ एल डिवाइडेड बाई आर है, मतलब कि इनकी डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आप बता सकते हैं कि थीटा जो है वो फाइनली इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। तो अगर आप मुझे इस सर्किट की कंप्लीट इम्पिडेंस बताना हो कि इस सर्किट की जिसमें इंडक्टर लगा हो रेजिस्टेंस के साथ उसकी इम्पिडेंस क्या होती है, तो मुझे इस सर्किट के इम्पिडेंस जो है कंबाइंड इफेक्ट है तो मुझे वोल्टेज भी तो कंबाइन ही यूज़ करना पड़ेगा, तो वी डिवाइडेड बाई आई। मैंने यहाँ पे वी डिवाइडेड बाई आई इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है कि जो इम्पिडेंस है वो रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारी रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर प्ले करती है। क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग वी डिवाइडेड बाई आई की फॉर्म में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, तो यहाँ पर मुझे इम्पिडेंस को भी वी डिवाइडेड बाई आई की फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन जो ये वी लिखूंगी ये कम्बाइंड वोल्टेज होगा जो इस सर्किट का कम्बाइंड वोल्टेज है। अब हमारे पास क्या होगा कि कम्बाइंड वोल्टेज के बारे में अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला है जो कि आई इंटू आर स्केयर प्लस एक्स एल के स्केयर के इक्वल है और नीचे आई एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो जो इम्पिडेंस है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी अंडर रूट आर का स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। तो अगर मुझे इम्पिडेंस के लिए अब डायग्राम वेक्टर डायग्राम बनानी पड़े तो वो भी मैं इस तरीके से बना सकती हूँ कि ये मेरे पास वी एल है, वी एल को अगर मैं यहाँ पर अब इस अकॉर्डिंग इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो मुझे इसे यहाँ पर एक्स एल कर देना चाहिए और यहाँ पर वी इज इक्वल्स टू आई इन टू आर, बल्कि आप इसको इसी तरीके से रखें अभी आपको समझ आ जाएगी कि एक्सएल किस तरीके से है। वी एल हमेशा हमारे पास आई इन टू एक्सएल आएगा। सिमिलरली ये वाला वी एल यहाँ पर भी है, वी एल इज इक्वल्स टू आई इन टू एक्सएल, यहाँ पर चूँकि हमारे पास करंट था आई, करंट आई इसलिए था क्योंकि यहाँ पर वी आर है, वी आर जो है आई इन टू वी आर आर के इक्वल है। आई और वी रेजिस्टेंस के केस में इन फेज रहते हैं, चूँकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होगी वी आर वो भी इस डायरेक्शन में और जो करंट है आई आर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा।
और जो इंडक्टर है, इंडक्टर साथ लगा है तो उसके लिहाज से जो वोल्टेज है वो इस करंट के लिहाज से पाई बाय टू के डिफरेंस पे ऊपर चलेगी, लीड कर गई। अब यहाँ पर जो है मेरे पास V इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड है, और यहाँ पर भी मेरे पास जो है वी आर आई इंटू आर के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर चीज़ के साथ आई, अब ये मेरे पास आर आ जाएगा, ये मेरे पास इम्पिडेंस है, ये एक्स एल और ये आर है। अब जो जेड है वो किसी ना किसी एंगल पर जो है वो इस आर के साथ जो है किसी ना किसी एंगल पर इसके साथ कंसाइड कर रहा है ना, और ये वाला जो एंगल है ये भी हमने मालूम कर लिया है कि ये पाई बाय टू माइनस थीटा है, क्योंकि ये पूरा एंगल जो पाई बाय टू था तो ये वाला एंगल जो है वो पाई बाय टू माइनस थीटा के इक्वल आ गया है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब इस चीज़ को गौर करके आप भी थोड़ा सा बताएं कि जो जेड है, जेड हमारी कंप्लीट इम्पीडेंस है। अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि अगर आपको इम्पीडेंस के बारे में बताना हो जो कि कंबाइंड इफेक्ट है किसी भी सर्किट के अंदर लगे हुए एक से ज़्यादा अप्लाइंसिस का, तो अभी सर्किट के अंदर तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है हमारे पास, उसमें जो ये इम्पीडेंस आई है ये इम्पीडेंस इस आर से जो है लीड कर रही है, मतलब कि जेड जो है वो लीड कर रही है, लीड कर रही है आर से, और जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, लेकिन ये जो इम्पीडेंस है ये एक्स एल से जो है लैग भी कर रही है, जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो लैग कर रही है एक्स एल से, और कितना लैग कर रही है वो पाई बाय टू माइनस थीटा है, ये पाई बाय टू माइनस थीटा है क्योंकि ये इससे पीछे है ना तो लैग कर रही है, और आई आर से आगे है तो लीड कर रही है, और कितने एंगल पे पाई पे, और इससे जो है वो लैग कर रही है कितने एंगल पे पाई बाय टू माइनस थीटा पे। तो ये कुछ इसके रिलेशनशिप के बारे में था कि अगर हमें इम्पीडेंस निकालनी पड़े एक ऐसे सर्किट के बारे में जिसमें आपके पास इंडक्टर भी लगा हो और उसके साथ साथ कैपेसिटर वो जो है रेजिस्टेंस लगी हो तो इम्पीडेंस क्या होगी, और अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगी हो और कैपेसिटर लगा हो तो इम्पीडेंस क्या है। पहले केस में हम लोगों ने कैपेसिटर को लेकर स्टडी किया, और इस केस में हम लोगों ने इंडक्टर को लेकर स्टडी किया कि इंडक्टर लगाया जाए तो इम्पीडेंस किस तरीके से निकाली जाती है। कोई भी चीज़ किसी भी सर्किट के अंदर लगी हो, अगर उसमें एक से ज़्यादा इम्प्लाइंसेस लगे हुए हैं उस सर्किट के अंदर, और एसी सोर्स खासकर याद रखना है कि एसी सोर्स उसकी बैटरी है, हम लोग बैटरी में दूसरी बैटरी भी यूज़ कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एसी सोर्स इस्तेमाल किया, तो जब एसी सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो जो इम्पीडेंस है वो उनका कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर यूज़ हो रहा हो, तो उसमें जो पावर डिसिपेशन है ज़ीरो होती है, लेकिन सिर्फ प्योरली इंडक्टिव जो रेजिस्टर जो केस है सिर्फ इंडक्टर के केस में, यानी इंडक्टर के केस में इस सेंस में कि आपके पास कोई आइडियल चीज़ है, लेकिन आइडियल तो आपके पास कोई चीज़ होती नहीं। अगर आपके पास कोई आइडियल चीज़ है, लेट्स सपोज कि आइडियल चीज़ है तो वी आई होता है, और आपको मालूम है कि वी आई कॉस थीटा है, अगर ये कॉस थीटा जो है आपके पास 90 हो जाता है, जाहिर सी बात है फेज डिफरेंस पाई बाय टू है 90 हो जाएगा, तो पावर डिसिपेशन जो है वो ज़ीरो आ जाती है, जो कि आइडियल केस में है, वैसे ऐसा होता नहीं है। और अगर मैं आर एल की बात करूँ या आर सी सीरीज सर्किट की बात करूँ, उनके अंदर जो पावर डिसिपेशन हुई है उनकी बात करूँ, तो इन दोनों केसेस के लिए जो पावर डिसिपेशन है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम में क्या होता है कि आपका जो वी है, वी का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो आई के अलोंग होता है, तो यहाँ पे वी कॉस थीटा आ जाता है और आई उसके साथ आ जाता है, यानी कि मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि वी कॉस थीटा इंटू आई, यही पावर फैक्टर हुआ ना, यही इसकी यानी कि इसका जो है वो प्रोडक्ट बना पावर का, दोनों ही केसेस में आर एल में भी और आर सी में भी दोनों सेम ही रहते हैं, क्योंकि दोनों में आ वी और आई का ही केस किया जा रहा है, बस आर सी में ये फ़र्क होता है कि वी लैग कर जाता है और आर एल में ये फ़र्क होता है कि वी जो है वो लीड कर जाता है, लेकिन होता तो दोनों में वी इंटू आई है और दोनों में वी और आई को ही बेस बना के हमने वेक्टर डायग्राम बनाई है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो पी है यानी कि पावर डिसिपेशन, वो वी कॉस थीटा इंटू आई आ जाता है। अब क्या होता है कि इस सर्किट के अंदर यहाँ पे कॉस थीटा भी आना चाहिए, यानी कि इस सर्किट के इन दोनों सर्किट के अंदर आर एल और आर सी के अंदर हमारे पास जो पी है वो वी आई कॉस थीटा है, ये हमारे पास जो है वो रियल पावर है जो कि हमारे सर्किट की अपनी पावर है, इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रियल पावर है। और एक होती है अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर वो होती है जो उसके वोल्टेज के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आई होती है, जिसे मैं सिंपली वी आई कह सकती हूँ। अगर मुझे रियल पावर और अपेरेंट पावर की जो है रेशो चाहिए हो, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास रियल पावर जो कि वी आई कॉस थीटा है, और अपेरेंट पावर जो कि वी आई है जिसका कोई एंगल ही नहीं है, सिंपल वी आई जो कि हमें नज़र आ रही है
और रियल तो ये है ना कि वी आई कोस थीटा कोई ना कोई एंगल बन रहा है जिस एंगल पे जो है वोल्टेज उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हमारी पावर फैक्टर है। इस तरीके से ये जो वी आई है इस वी आई से कैंसिल हो जाती है, ये कोस थीटा कोई ना कोई एंगल है जिस भी एंगल पे आपकी पावर यानी कि आपका वोल्टेज वी और आई के दरमियान पाया जाने वाला कोई भी एंगल है उस एंगल को यहाँ पर आप रख कर पावर फैक्टर लगा सकते हैं। और पावर फैक्टर जो है मैक्सिमम मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और ये किस केस में होती है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, यानी कि अगर कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो उसके अंदर जो पावर फैक्टर है चाहे वो इंडक्टर का केस है, आर एल है या आर सी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 निकलेगी। तो ये कुछ पावर के बारे में भी था कि पावर भी हर सर्किट के अंदर होती है, पावर डेसिपेशन एनर्जी लॉसेस तो होते ही हैं, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। जैसे हम बकायदा फॉर्मूले से प्रूव भी कर चुके हैं अभी कि इंडक्टर का केस हो या रेजिस्टर का, उसके अंदर पावर डेसिपेशन तो होंगे ही होंगे। और जो पावर फैक्टर है उनका हमेशा वो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो आपको 1 देगा, और वो भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। इससे लेस हो सकता है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं होता क्योंकि 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आर एल जो है अभी हम लोग ने जो केस किया ये आर एल का था कि किस तरीके से आर एल को अगर हम लोग सीरीज में लगाएं तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आता है, इम्पिडेंस किस तरीके से इफेक्ट करती है, लीड किस तरीके से करती है और लैग किस तरीके से करती है।